का बटन दबा दो क्योंकि ऑगी ने कहा है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सोचूंगा आपका दोस्त योगी फिर से आ चुका है नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिन लोगों के एडमिशन वगैरह हो भी चुके हैं और जिनके नहीं हुए, तो दोनों के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो जो आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। जैसे कि वीडियो में जो लोग फर्स्ट टाइम है तो उन लोग को बताता हूँ, 2023 का जो बैच था जो स्टूडेंट्स आ रहे थे नैनीताल कॉलेज करने, उनके लिए मैं वीडियोस वगैरह बना रहा था, चाहे उनकी कोई सी भी छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, तो सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आज की वीडियो में कि आप क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट होंगी, तो जैसा कि मेरे पास दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं बीबीए के लिए, बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग की जो क्लासेस हैं वो है 10th ऑफ अगस्त से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हैं। जैसे कि आप लोग के बहुत से लोगों के पास मेल पहुंच भी गया होगा, और जिन लोगों के पास मेल नहीं पहुंचा है, जिन लोगों के एडमिशन्स हो चुके थे, तो आप लोग के 10th ऑफ अगस्त से क्लासेस वगैरह स्टार्ट है। बाकी जैसे कि बीए बीकॉम बीसीए इन लोगों की क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगे, तो मैं इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो मैं वीडियो जो है बहुत जल्दी बना रहा हूँ, तो शाम तक जो है आप लोग के कहता और नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं कैसे भी करके आप लोग को अपडेट वगैरह दे दूंगा। बाकी हम बात करते हैं अभी बीसी का स्टूडेंट्स का, जो बीसी का कल एक नोटिफिकेशन आया था, कुछ सीट्स जो हैं 9 सीट्स जो हैं अभी भी वहाँ पर खाली हैं, तो आप लोग को बुलाया गया है। देखिए कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाल रखा है मैंने, कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लेना, तो उस पर जो एक पोस्ट मिल जाएगा आपको, तो उस पोस्ट में देख लेना, रीड कर लेना अच्छे से। देखिए वहाँ पे जो अनरिजर्व्ड सीट हैं ओबीसी की हैं एसटी की हैं, तो सारी चीज़ें चेक कर लेना, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने हैं अब बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैंने पोस्ट डाला है उसी पोस्ट में जो है सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से। बाकी उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब बात करते हैं जिन लोगों के एडमिशन्स वगैरह नहीं हुए, जिन लोगों ने अभी तक रिसेंटली एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशंस वगैरह करा, तो देखिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशंस करे हैं ना, तो उन लोगों की मेरिट लिस्ट अब आ जाएगी इस वीक में, अब मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। चाहे आप जैसे बीए के जो है एडमिशन देखिए डायरेक्ट होगा, तो जैसे डायरेक्ट एडमिशन वगैरह शुरू हो जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूँगा, क्योंकि बीए की जो है मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं आती है, जैसे बीएससी की आएगी या बीबीए की आएगी या बीकॉम की आएगी बीएलएलबी की आएगी, तो सब चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी जैसे कि 10th ऑफ अगस्त को फर्स्ट डे है आप लोग का, तो बहुत सारे लोग आ भी जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाएंगे। देखिए फर्स्ट डे जाएंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी कॉलेज से रिलेटेड, प्लस आपको बुक्स कहाँ से इशू करानी है, बुक्स कौन कौन सी लेनी है। सबसे पहली बात आपको सिलेबस दिया जाएगा, सिलेबस कौन क्या क्या रहेगा, आपको किस सिलेबस को आपको फॉलो करना है। बाकी जैसे कि आपको सेल्फ फाइनेंस कोर्स रहता है जैसे कि बीबीए, तो बीबीए में जैसे ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड कहाँ से आपको परचेज करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाएगी। जैसे कि अभी आने वाली चीज़ें जैसे कि फ्रेशर पार्टी का मैंने आप लोग को बता दिया था कि फ्रेशर पार्टी जो है किस टाइप से रहेगी, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लानी है, तो इससे पहले वाला जो ब्लॉग है तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं फ्रेशर पार्टी। और एक हाँ एक कमेंट आया था कि फ्रेशर पार्टी कब ऑर्गेनाइज होगी, फ्रेशर पार्टी ना देखिए जैसे आप प्रॉपर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो एक महीने के बाद जो है जब सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन्स वगैरह हो जाएगा उसके बाद जो है फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज कराई जाती है, ठीक है। बाकी एनसीसी का जिन लोगों को एनसीसी का लेना है तो एनसीसी के बारे में भी मैंने बता दिया था, वाला वीडियो भी आप चेक कर लेना, और उसके रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है जिस जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा था वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोग को अपनी मेरिट लिस्ट चेक करनी है जो अभी तक आ चुके हैं, उसका लिंक भी दिया है वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों के मेरिट लिस्ट में नहीं भी आ गया था बट वो नैनीताल किसी चीज़ के उससे आ नहीं पाए, तो देखिए आप लोग आइए, ऐसे चांस मिस मत करिए, आइए, चाहे आपकी डेट चली गई है कोई बात नहीं, आप आइए, उसके बाद जो है वहाँ के डिपार्टमेंट में बात करिए कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोगों को आई फ्लू हो गया था या किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये चीज़ें जो है होते रहती है, तो आप लोग आइए कैंपस में और बात करिए डिपार्टमेंट में, क्या होता है आप लोग को एडमिशन वगैरह मिल जाएगा। बाकी देखिए मैं हर चीज़ की चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ है स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आज की ये वीडियो भी आप लोग को बता देता हूँ कि 10th ऑफ अगस्त से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा और बहुत सारे लोगों के पास चले भी गया होगा, तो वो बहुत अच्छी बात। बाकी आपको किसी चीज़ से भी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो मुझे सीधे कमेंट सेक्शन कर लेना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, स्टेप स्टेप फुल आज की वीडियो में, बस इतना। ओके। I don't wanna know where you go. I don't wanna
wanna know.